हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे गाजर, मूली और मिर्ची का अचार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिर्ची के अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हरी मिर्ची, मूली, गाजर और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। यहाँ पर हम गाजर को पतला पतला कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गाजर को इस तरह से लंबे लंबे कट कर लिए हैं। अब इसी तरह से हम मूली को भी कट कर लेंगे। इसी तरह से अब अदरक को भी कट कर लेंगे। यहाँ पर एक बोल ले लेंगे, गाजर कट करके रखा है उसे डाल देंगे, मूली, अदरक, अदरक को मैंने बारीक और छोटा काटा है, हरी मिर्ची, और अब इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक और हल्दी मिला देने से इसमें जितना भी इसका मॉइस्चर होगा, जितना पानी होगा, इसे निकल जाएगा। तो ये अच्छे से अभी मिक्स हो गया है। इसे कवर करके एक घंटे के लिए कम से कम हम साइड में रख देंगे। इससे हमारा मूली और मिर्ची में जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। नमक और हल्दी हमने लगा कर रखा था एक घंटे पहले। एक घंटे बाद इसमें कितना पानी रिलीज हो गया है, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। हम एक दूसरा बोल ले लेंगे और इसमें ये स्ट्रेनर डाल लेंगे। गाजर, मूली और मिर्ची को हम इसमें डालेंगे और इसमें जो पानी रिलीज किया है ये सारा इसमें स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसी तरह से हम इसे छोड़ देंगे और थोड़ी देर इसे स्ट्रेन होने देंगे। इसमें जो भी मॉइस्चर है, जो भी पानी है, वो सारा स्ट्रेन होके निकल जाए। थोड़ी देर बाद इसमें सारा पानी जो है वो स्ट्रेन हो गया है। किसी भी पेपर या कपड़े पे फैलाकर इसे हम धूप में रख देंगे और धूप में, ताकि इसका पानी जो भी है थोड़ा बहुत वो सारा ड्राई हो जाए। 1 टीस्पून पीला सरसों ले लेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक सरसों, 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी सीड ऐड करेंगे और अब इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे हमें इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। 1 टेबलस्पून धनिया सीड ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसाले अब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इसे हम ब्लेंडर में चला लेंगे। अब हम सारे मसालों को ब्लेंडर में चलाकर पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा अचार का मसाला अब रेडी हो गया है। और ये हमने मूली, गाजर और मिर्ची को जो 4-5 घंटे के लिए धूप में रखा था, तैयार हो गए हैं। अब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं और अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। आपको अगर जल्दीबाजी में ये अचार बनाना है तो आप इस धूप की जगह ऐसे पैन में भी हल्का ड्राई करके आसानी से इसमें मसाला लगाकर अचार तैयार कर सकते हैं। लेकिन धूप में सुखा देने के बाद ये थोड़ी लंबे टाइम के लिए हम लोग रख सकते हैं। तब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें सरसों तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों तेल ले लिया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते, बट सरसों तेल अचार में डालने से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम सरसों तेल ले रहे हैं। इसे अभी हम अच्छे से हीट होने देंगे। सरसों तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर हम अचार में ऐड करेंगे। जब तक हमारा तेल ठंडा हो रहा है तब तक हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक बोल में ले लेंगे। मैंने यहाँ पर सारी मिर्ची साबुत ली है, आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से बीच में स्प्लिट कर दें, या फिर अगर आपके पास बड़ी मिर्ची है इसे 2 टुकड़ों में भी ऐसे हाफ करके यूज कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने पहले भी नमक ऐड किया। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा अजवाइन और मंगरेला ऐड करेंगे। इसे इस तरह से रब करके इसमें ऐड करेंगे और अब हमने जो इसमें मसाला पीस कर रखा है इसे ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मसाला ऐड कर देंगे। हमें इसमें सारा मसाला ऐड नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग उसमें देखकर मसाला ऐड करें। देखिए मेरे पास अभी भी इतना मसाला बचा हुआ है, इसे हम टाइट कंटेनर में कितने भी दिन के लिए रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि मसाला कम है तो आप इसमें और मसाला ऐड कर सकते हैं। तो सारे ड्राई मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे। हमें इसमें गरम तेल ऐड नहीं करना है। तेल अब हमारा ठंडा हो गया है, अभी से हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। तेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको लगे कि इसमें मसाला कम है या फिर तेल कुछ कम है तो आप बाद में भी इसमें सरसों तेल ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मिर्ची, मूली और गाजर का अचार अब रेडी है। अब इसे हम एयर टाइट कंटेनर बंद करके रख देंगे और आप इसे किसी भी चीज, रोटी पराठा, किसी भी चीज के साथ इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।